तो गाइस सॉक्स हमें इसलिए काटनी चाहिए क्योंकि गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आज पहने हुए हैं लॉन्ग सॉक्स, डबल सॉक्स और मेरे पास है सीजर बैंडेज, मेरे पास है अलग अलग साइज के स्टड्स, अलग अलग साइज के शिन पैड्स और अलग अलग टाइप के शिन पैड्स। तो गाइस मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको सही तरीका क्या है अपने स्टड्स को पहनने का, किस तरीके से आप फिटिंग का ध्यान रख सकते हैं और किस फिटिंग का आपको शूज देना चाहिए और अलग अलग टाइप की सॉक्स, लॉन्ग सॉक्स, शॉर्ट सॉक्स और शिन पैड आप किस तरीके से पहन सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सॉक्स में आपने बहुत ज्यादा प्लेयर देखे होंगे जिनकी पैरों के पास यानी कि स्टड्स के पास अलग कलर की सॉक्स और ऊपर जो सॉक्स होती है वो अलग कलर की होती है, तो उसके बारे में मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा इसमें डिटेल्स में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट इसका मिस ना कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज होने वाला है गाइस। तो गाइस आपने नेमार को देखा होगा, नेमार की सॉक्स कुछ इतनी ऊपर रहती है, इस साइज तक रहती है, उसके बारे में आपको राज बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नीचे आपको ग्रे कलर की अलग कलर की सॉक्स दिख रही है वो क्यों पहनी है मैंने, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस जो हम देखते हैं जो सॉक्स होती है प्लेयर्स की वो घुटने से नीचे होती है, वो एक्चुअली होती इतनी लंबी है, जिसको स्ट्रेच करनी होती है वो स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है, और जिसको घुटने से नीचे रखनी होती है वो घुटने से नीचे कर लेता है। आपको क्या करना है, प्रॉपर अपना शिन पैड सेट कर लेना है और इतने स्ट्रेचेबल, इतने टाइट होते हैं वो सॉक्स की आपके जो शिन पैड है वो सही जगह पर टिक जाते हैं। आपको सही से इनको अपनी प्लेस पर लगाना होता है और ऊपर की तरफ खींचना होता है क्योंकि इनकी नॉर्मल साइज इतनी ही होती है। जो प्लेयर्स घुटने से नीचे तक की सॉक्स पहनते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी सॉक्स को अंदर से फोल्ड कर लेते हैं और इससे वो घुटने से नीचे जो अपनी बेसिक जो पोजीशन आपने देखा होगा मोस्टली प्लेयर्स पहनते हैं वो ये रहती है। जो ऊपर करते हैं उनका मेन जो रहता है मतलब मेन जो पर्पस होता है वो होता है चोट से इनको प्रिवेंट करने के लिए, जो घुटने के ऊपर वाला एरिया वहां पे चोट ना लगे गिरने की वजह से, इसलिए। और जो आपने तीसरा जो कैटेगरी देखा होगा कि डिबाला को आपने देखा होगा सिर्फ शिन पैड के बराबर की वो सॉक्स पहनते हैं, तो वो ये है, वो इस तरीके से सॉक्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं शिन पैड के अंदर और स्ट्रेचेबल सॉक्स होती है तो वो आराम से फिट आ जाती है। तो ये था इन शॉर्ट साइज की सॉक्स का पहनने का राज और इसके पीछे का पर्पस ये कि प्लेयर्स को कंफर्टेबल लगता है और प्लेयर्स को अच्छा लगता है लुक में और थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए ये पहनते हैं। तो गाइस इस वीडियो के एंड तक आपको शूज के साइज और शूज कैसे पहनने ये भी पता लग जाए। तो गाइस आज मेरे पास है दो शिन पैड्स और ये जो ग्रीन वाले हैं छोटे वाले हैं और जो येलो वाले हैं वो बड़े वाले हैं। इसके स्टेप्स हैं जो येलो वाले के और ये विदाउट स्टेप, इसकी कोई भी तनी नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं साइज कोई भी पहन सकते हो, आपकी चॉइस है, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन बात यह है जो बड़े वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो चोट लगने का खतरा रहता है, तो प्लेयर्स बड़ा प्रेफर करते हैं, पर कई प्लेयर्स छोटा पहनते हैं क्योंकि उनको कंफर्टेबल लगता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी इंजरी प्रिवेंट के लिए आप कोई भी साइज का पहन सकते हो, आपकी मर्जी है, बड़े में आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है छोटे में कम, और कंफर्टेबल होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना, गुड क्वालिटी प्लास्टिक का होना चाहिए, उसमें अच्छी पैडिंग होनी चाहिए रबर के अंदर ताकि वो आपको सही से प्रोटेक्ट कर सके। तो गाइस ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि ये बैंडेज हमें कैसे पहननी चाहिए, उसका फायदा क्या होता है और क्यों पहनते हैं प्लेयर्स। तो देख लो गाइस, पहले मैं नीचे से शुरू किया और नीचे से फिर मैं अपने टांग वाले हिस्से पे गया, हील वाला हिस्सा मैंने सबसे लास्ट में कवर किया। आपको ऐसे ही पहले नीचे, फिर आपको अपना टांग वाला हिस्सा, फिर आपको अपनी हील वाला पार्ट कवर करना है। और इसका फायदा ये है कि जब भी आप शॉट लेते हो तो आपका प्रॉपर शूज, अगर जो आप देख रहे हो जिस पार्ट से आप शूट लेते हो उस पर वो भर जाता है और आपका पूरा फिटिंग में शूज आता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जब आपका पैर पूरा भरा हुआ रहेगा तो आपके जो शॉट में और पासिस में जो आप पावर चाहते हो वो मिलेगी। और कई कई लोग मतलब इससे ये फायदा भी होता है, कई कई लोग मानते हैं कि इससे आपकी इंजरीज भी प्रिवेंट होती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है गाइस। तो गाइस अब मैं बताऊंगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सॉक्स कैसे पहनते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एरिया ज्यादा हो जाता है। उसके बाद सॉक्स के लिए आपको पहले एकदम सॉक्स सारी एक साथ फोल्ड करनी है, फिर इसको आप इस तरीके से खींचोगे कि जो बैंडेज आपने अंदर टक की है वो बाहर ना निकले, और आपको कुछ इस तरीके से जेंटली इसको ऊपर की तरफ पुल करना है और पहले अपनी तरफ खींच लेना हल्का सा ताकि वो जो आपकी बैंडेज है वो ना खुले और अनरेवल ना हो वो, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको सॉक्स अपनी धीरे धीरे ऊपर चला लेनी है। अब मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हो जो बाहर को उभरा हुआ पीस है, उभरा हुआ जो पार्ट है, देखो आपको शूट मारने वाली जगह पे, मैं आपको एक बार डिटेल में सही से दिखा देता हूँ, जो आपको शूट मारने वाली जगह है ना, ये देखो कितनी भरी हुई है, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी और आपका शॉट एकदम आपकी मनचाही पोजीशन पे आप मार सकते हो। अच्छी एक आपको एक टाइप से टाइट चीज मिल जाएगी, ये देखो इस पार्ट पे, ताकि आप शॉट अच्छा सा मार सको अपने लिए। ये है मेरे पास कुछ अलग टाइप के शिन पैड। आप में से कई लोगों का डाउट रहता है कि क्या हमें एंकल प्रोटेक्शन पहनना चाहिए, तो गाइस देखिए ये आपकी पर्सनल चॉइस है, कैसे कोई कंपल्शन नहीं है। शिन पैड्स आर द ओनली कंपल्शन, शिन पैड्स और लॉन्ग सॉक्स। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ये शिन पैड है ये आता है एंकल प्रोटेक्शन के साथ, इसमें बहुत ही हार्ड एक पैडिंग लगा हुआ है जो आपके एंकल्स को, अगर आपको टैकल लगता है तो आपके एंकल को कहीं कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, पर ये काफी प्लेयर्स को कंफर्टेबल नहीं लगता, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स इसको नहीं पहनते। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसको पहन सकते हो नहीं पहन सकते, अगर आपको इंजरीज का ज्यादा इंजरीज होती है या डर रहता है तो आप इसको पहन सकते हो, पर कंफर्ट पे डिपेंड करता है, अगर कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप इसको ना पहन के भी खेल सकते हो। गाइस जो आपको डबल कलर की सॉक्स दिखती है उसका राज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्या होता है बेसिकली, आपका अगर शू फिटिंग का ना हो तो आप डबल लेयर देने के लिए
आपका हल्का सा बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए आप डबल साइज की सॉक्स पहनते हो, या फिर अगर आपका जो दूसरा सॉक्स है अंदर वाला जो मेन लॉन्ग सॉक्स है उसकी ग्रिप अच्छी ना हो तो आप ये वाली सॉक्स पहनते हो। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, आप देखते रहिए। तो गाइस अभी आप देखना मैं पहन के दिखाऊंगा आपको बिना आउटर सॉक्स के, मैं इस शूज़ को पहन के दिखाऊंगा, आप देखना कितने आराम से कितना लूज सा ये इसकी फिटिंग होगी, क्योंकि मैंने एक ही लेयर सॉक्स पहनी हुई है और मैं आपको ये टाई करके दिखाता हूँ। और अभी देखना कि ये जो एक सिंगल सॉक्स है इसकी वजह से मतलब कैसी कितने सारे से, तो ये घुस गया ठीक है, इतने सारे से घुस गया तो ये हल्का सा लूज़ है मेरे को ठीक है, आप देख सकते हो साइड से भी ये हल्का सा लूज़ है। अब डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक लेयर और ऐड कर दूंगा सॉक्स की, अब देखना अब मैंने एक लेयर सॉक्स की ऐड कर दी है, अब देखना ये प्रॉपर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हल्का सा, और ये मेरे पैर पे बिल्कुल प्रॉपर सूटेबल पूरा बैठ गया है, टिक गया है बिल्कुल। अब ये देखो अब आपको जब लेसिस बांधने हैं आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर टाइट लेसिस बांधो और उसमें नॉट्स लगाओ कुछ इस तरीके से ताकि वो बाद में ना खुले, और आपको ध्यान रखना है कि वो जो नॉट्स है वो प्रॉपर टाइट होनी चाहिए ठीक है, और जो ये लेसिस साइड में लटक रहे हैं साइड में ये नहीं लटकने चाहिए, ये अंदर की तरफ होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सॉक्स है ठीक है, ये जो सॉक्स होती है बेसिकली जो प्लेयर्स अलग से अलग कलर की पहनते हैं, ये नीचे से ग्रिप होती है इसमें जो कि नॉर्मल सॉक्स में नहीं होती, तो जिससे कि आपकी अंदर से आपका पैर नहीं हिलता ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा सॉक्स पहनते हो, एक ये कारण भी है ये एक्स्ट्रा सॉक्स पहनने का ठीक है। आप मैं बताता हूँ काटते कहाँ से इस सॉक्स को, इस सॉक्स को हम काटते हैं नीचे वाली तरफ से, जो आप रबर इलास्टिक दिख रहा है ना इलास्टिक, उसके नीचे ये इलास्टिक होता है बहुत सारा ठीक है, अगर आप इसको इसके बीच में से काट दोगे तो धागे निकलने लगेंगे, तो आपको काटना नीचे वाली जगह से, ये जो मैंने जहाँ पे उंगली की है उस जगह से आपको इसको काटना है। अब मैं कैसे काटना है बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में। तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है, और आप देखो इलास्टिक से नीचे वाली जगह पे मेरे को काटना है, वहाँ पे क्या होगा अगर मैं इलास्टिक से नीचे वाली जगह पे काटूंगा तो सॉक्स खराब नहीं होंगी, अगर मैं इलास्टिक पे काटूंगा तो क्या होगा रेशे निकलने लगेंगे और धीरे धीरे सॉक्स मेरी खराब हो जाएगी ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रख। तो गाइस ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर अपनी सॉक्स काट रहे हैं, देखो किस जगह से वो अपने सॉक्स को काट रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था इलास्टिक के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से वो सीजर की मदद से अपनी सॉक्स को काट रहे हैं देखो, और काफ़ी क्लीनली चारों तरफ से अपनी सॉक्स को काट रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये एक प्रोफेशनल तरीके से इसको कैसे बनाएंगे ये आप इस वीडियो में देखोगे। अब इन्होंने काट ली है, अब ये देखो ये अलग से जो मैं कह रहा था आपको स्लीव बन जाती है, जो लंबी वाली सॉक्स जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यूज़फुल होता है इसमें ठीक है। और देखो अब इन्होंने चढ़ा ली है दूसरी सॉक्स जो अलग कलर की है, अब आप इसके नीचे देखो इसके नीचे वो ग्रिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो ग्रिप आप पहनते हो अलग से एक्स्ट्रा जो चाहिए होता है, यहाँ जो इन्होंने हाथ पर दिखाया वो जगह पर टेप लगती है गाइस। मान लो कि मैंने यहाँ पे जो सॉक्स पहना है ये एक कटा हुआ स्लीव है, यानी कि जो मैंने आपको था ना कि अलग से आप स्लीव का जब यहाँ से आप सॉक्स काट देते हो इस एरिया से तो ये स्लीव बच जाएगा, मान लो कि नीचे वाला पार्ट नहीं है और आपने सिर्फ ये स्लीव्स ऊपर चढ़ाया हुआ है ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये आपकी सॉक्स है जिसके नीचे ग्रिप लगी होती है, वो जो सॉक्स होती है उसके नीचे ग्रिप लगी होती है स्पेशल सी, मैं आपको फोटो आप देख लो ये वाली फोटो लगी हुई है उसमें ग्रिप होती है ठीक है। तो उसमें क्या होता है जो यहां से जब कटा हुआ है ना वो सॉक्स, तो यहां पे मतलब चांसेस रहते हैं कि ये जो सॉक्स है ये ऊपर नीचे हो जाए, और शिन पैड जब आप उसमें शिन पैड लगाओगे तो चांसेस होते हैं कि जो शिन पैड है वो भी इधर उधर डिस्प्लेस हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे एक आती है फाइबर वाली टेप, ये आप फोटो देख सकते हो उस फाइबर टेप की, तो ये फाइबर टेप यहाँ पे लग जाती है जो मतलब जो एडहेसिव और नॉन एडहेसिव भी आती है, यानी कि जो चिपकने वाली और ना चिपकने वाली भी आती है। तो जो चिपकने वाली होती है उसमें चांसेस होते हैं कि जो यहाँ पे आपके रेशे हैं धागे हैं वो उखड़ सकते हैं, इसलिए ना चिपकने वाली की आप भी यूज़ कर सकते हो, पर चिपकने वाली की ऑब्वियसली ज़्यादा होल्ड आपको देगा, और ना चिपकने वाली अगर आपको टेक्निक सही से पता है तो वो भी आपका सही से होल्ड करना बता देगी। तो इसके अराउंड व्हाइट कलर का वो टेप होता है वो लग जाता है जो आपने देखा होगा काफ़ी प्लेयर्स के, और यहाँ पे सेकंड लेयर नहीं होती, मैं आपको बता दूँ ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये कटी हुई होती है इससे नीचे काट देते हैं वो, बाकी दो सॉक्स का भी ऑप्शन होता है अगर आपकी फिटिंग सही नहीं है और आप बैंडेज नहीं पहन रहे हो तो आप दो सॉक्स भी पहन सकते हो, इससे आपकी फिटिंग सही रहती है, क्योंकि आपको पता है जब आपको शॉट लेना है तो फिटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी प्रॉपर शॉट और पासिस आप दे पाओगे। और तो गाइस यही इसका बेसिक था, बाकी लॉन्ग सॉक्स शॉर्ट सॉक्स कैसे पहननी है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा शूज की फिटिंग का राज। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको शूज की फिटिंग कैसे डिसाइड करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे को शूज की फिटिंग के भी। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं ये है निविया एनकाउंटर 3.0, और मैं इसको पहले यूज करता था और मैंने इसका रिव्यू रिकॉर्ड कर रखा है, पर अभी देखा जाए तो ये शू पुराना हो चुका है, अभी 4.0 5.0 6.0 भी आ चुके हैं। तो अगर आप बोलोगे तो रिव्यू, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पर भी मिलता है अमेजोन पर, तो मैं इसका रिव्यू डाल दूंगा और कमेंट्स में बताना कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। तो अब मैं बताता हूँ आपको फिटिंग का। तो गाइस जैसे कि ये आप देख सकते हो ये है मेरा 8 नंबर का शू और ये है 7 नंबर का शू जो मैं आजकल यूज करता हूँ, सॉरी ये मैं आजकल यूज करता हूँ और ये है मेरा 7 नंबर का शू। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जूता है ये मेरे को नॉर्मल शू स्पोर्ट्स शू होता था 8 नंबर का ठीक है, और ये था मेरा 7 नंबर का शू। तो मैं आपको बता दूं ये मेरे को ज्यादा परफेक्ट फिट है, ये हल्का सा मेरे को लूज होता है तो मुझे या तो डबल सॉक्स या बैंडेज पहननी पड़ती है, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपका शू का फिटिंग आपको नहीं है तो आप डबल सॉक्स या फिर अंदर बैंडेज पहन सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप शू लेने जा रहे हो आसपास कोई दुकान पे तो आप उसको ट्राई करके जरूर देखो, बिल्कुल आपको परफेक्टली वो फिट होना चाहिए, सामने वाला हिस्सा फिट होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए ठीक है, और पीछे से वो आपको ना काटे आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आप शू लोगे ना
अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो जो आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स शू आता है आप कोशिश करो आधा एक साइज से छोटा लो, और क्योंकि आजकल रिप्लेस पॉलिसी भी चल रही है, अगर फिट नहीं आएगा तो दोबारा रिप्लेस कर देना, पर अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हो तो एक साइज आप छोटा ही लेना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप जाके शूज ले रहे हो तो आप उसको ट्राई करके जरूर देखना सॉक्स के ऊपर, और परफेक्ट फिटिंग जो आगे से मैंने आपको पीछे से बताया उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ सीखा हो तो, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, पीस आउट।